नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल डेट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या फिजिकल आपका जो प्रस्तावित डेट थी उसी में होने वाला है? कौन कौन सी ग्राउंड आपके बन गए हैं? तो आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ये लेटर जो उन्होंने डाला था, ये नोटिस दिया था, इसमें बोला गया था कि 7547 पोस्ट जो कांस्टेबल की जी थी एक्सक्यूटिव मेल एंड फीमेल, दिल्ली पुलिस 2023 बीइंग जो आपका एसएससी अंडर मिशन रिक्वायरमेंट था, जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट कंफर्म, जो आपको पता होगा एग्जामिनेशन जो आपका था वो लगभग 10 तारीख को आपका होना था, लेकिन 10 तारीख को अभी आपका जो है रिजल्ट नहीं आया है। बात करता हूँ फिजिकल की यहाँ पे, तो फिजिकल के लिए इन्होंने जो आपका कैंडिडेट का जो कंडक्ट कराने बाय दिल्ली पुलिस एंड 10 ग्राउंड बनाए थे, यानी 10 ग्राउंड आपके जो है बन गए हैं, जिनमें से 6 ग्राउंड आपके जो है वजीराबाद के होंगे, 2 ग्राउंड आपके जड़ौदा कला जो है जड़ौदा कला में होंगे, और एक दो ग्राउंड आपके बाहर अदर से होंगे। और 22 तारीख से आपके फिजिकल ये कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख से हम फिजिकल कंडक्ट करा देंगे, यानी ग्राउंड वगैरह सब चीज़ तैयार हैं और बस अभी रिजल्ट का जो है वेट कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट अभी आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसमें सारी बातें बच्चों यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए आपको बता दूँ मैं, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आ सकता। जो बच्चे कह रहे थे कि रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 10 तारीख रिजल्ट की डेट इन्होंने डाली थी, लेकिन 10 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे हिसाब से 15 जनवरी के लगभग आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ 15 जनवरी को आ जाओ, या आपका दिसंबर में भी आ सकता है आपका, अगर 27 दिसंबर के लगभग आपका रिजल्ट आ सकता है, तो 15 जनवरी और 27 दिसंबर हो सकता है इन दो डेटों में आपका रिजल्ट आ जाए। और यहाँ पे फिजिकल की डेट भी इन्होंने डाली थी कि 22/12/2023 से हम जो है आपकी फिजिकल करा देंगे, तो ये तो संभव नहीं है आप फिलहाल के टाइम में कि फिजिकल ये करा पाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट लाना इम्पॉसिबल लग रहा है कि इतनी जल्दी रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है, और रिजल्ट के बाद इतनी जल्दी फिजिकल करा दें ये मुझे ये नहीं लग रहा है बच्चों। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फिजिकल पर ध्यान दें, जिनके अच्छे नंबर हैं, जो लगभग 65 से ऊपर हैं, वो अपना फिजिकल चालू रखें, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही रिजल्ट लगेगा तुरंत ये एक नई डेट डाल देंगे जिसमें आपका फिजिकल होने का होगा, और आपको अगर 10 दिन भी नहीं मिलते हैं तो बच्चों बहुत सारे बच्चे इस फिजिकल में निकल जाएंगे, और सेकंड मेरिट आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है इसमें जो है निकल जाएंगे। तो आप फिजिकल में ना निकलें, इससे आपको तैयारी शुरू कर देनी है। तो अगर फिजिकल में ज़्यादा बच्चे बाहर निकल गए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी तैयारी जो है रखें, रेस रनिंग वनिंग अपनी जो है चालू कर दें। तो 22 तारीख को फिलहाल अभी जो है 22/12 को अभी नहीं लगता हमें कि ये फिजिकल करा पाएंगे, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, और रिजल्ट भी मुझे लगता है अभी बहुत टाइम लगेगा रिजल्ट में, एक महीना कम से कम लग ही जाता है, तो आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर 12 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ऐसी कोई अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है कि 12 तारीख में रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। 12 तारीख में, जब 10 तारीख में रिजल्ट नहीं आया 12 तारीख में कैसे आ जाएगा? 12 तारीख में मुझे नहीं लगता रिजल्ट आ जाए, और लगभग मुझे लगता है 27 दिसंबर के लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 15 जनवरी से पहले आ जाएगा, तो इस बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो अपनी तैयारी रखिए बच्चों। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।